तो इस वीडियो के अंदर हॉल ऑफ सोल के एल्डर मूव और सोवन के बीच फाइट शुरू होने वाली है। अब अगर आपको एल्डर मूव के बारे में नहीं पता तो मैं आपको थोड़े से बता दूं कि शुरुआती एपिसोड में एल्डर मूव दिखाया गया था जहां पर हॉल ऑफ सोल के एल्डर मूव और याओलो के बीच फाइट हो रही थी। सो लेट्स स्टार्टेड, देखेंगे आखिर इस वीडियो के अंदर कैसी फाइट चलती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 284 को। जैसे कि हमने लास्ट में देखा था, सावीर को हराने के बाद सावीर एक जगह पे आ चुका था जहां पर बैठने के साथ ही वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी सावन किसी चीज को महसूस करके अपनी आंखें खोलता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके आसपास एक बैरियर क्रिएट हो रहा है। तो आगे इस पार्ट की शुरुआत में सावन आवाज देते हुए कहता है, अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, हॉर ऑफ सोल ये तुम हो। ये कहने के साथ ही वो एक दिशा की ओर देखने लग गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ब्लैक कलर की फोक आने लगती है जिसके साथ ही वहाँ पर कोई हंसने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है, तुम उसके डिसाइपल होने के वर्दी हो, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम मुझे इतनी जल्दी सेंस कर लोगे। लगता है उस बूढ़ों की नजर अभी भी काफी है। तभी तो उसने तुम्हें अपना डिसाइपल चुना, लेकिन फिर भी तुम याओलो नहीं हो जो कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। ये कहने के साथ ही वो सामने आने लगता है। उसकी इन वर्ड को सुनने के साथ ही सावन भी उसकी ओर देखने लग गया था। इसके साथ ही उसने अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लिया। तभी वो हॉल ऑफ सोल का बंदा कहता है, मैंने सुना है कि उस बूढ़े का फ्लेम तुम्हारे पास है, बोन चिलिंग फ्लेम। अगर तुम वो फ्लेम मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पर कैप्चर करने नहीं आया हूँ, इसलिए तुम्हें घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। ये कहने के साथ ही उसने अपने अंदर एक खतरनाक द्विकी को रिलीज किया जो कि द्विकी नहीं बल्कि एक हेवनली फ्लेम था। जैसे सावन ने इस फैमिलियर फ्लेम को महसूस किया जिसके साथ ही वो हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, ये तो सी हार्ट फ्लेम है, आखिर ये फ्लेम इसके पास कैसे आए, क्योंकि ये फ्लेम तो हांग फेंग के पास थी। जब सावन ने सेकंड बार हैंग फेंग को कैप्चर किया था तो वो उसने महसूस किया कि हैंग फेंग के पास कोई भी हेवनली फ्लेम नहीं है, इसलिए भी उस समय वो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही उसे पता चला था कि हॉल ऑफ सोल के किसी एक्सपर्ट ने उसकी हेवनली फ्लेम छीन ली है। जैसे उसने अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट क्या, उसी समय हम सावन के अंदर की फिल्म को देखते हैं जो भी रिएक्ट करने लग गया था। इस चीज के बारे में सावन को अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए उसे ज्यादा समझने में देरी नहीं लगती कि अभी के समय उसके जो सामने है हेवनली फ्लेम वो एक असली हेवनली फ्लेम है। दूसरी ओर सावन की बातों को सुनने के साथ ही वो व्यक्ति भी नोट करता है। इसके साथ ही वो सावन से कहता है, तुमने सही पहचाना, ये एक हेवनली फ्लेम है, इसके साथ ही ये हैंग फेंग की फिल्म है। ये कहते हुए ब्लैक फॉक्स से लगातार अपनी नजरों से सावन की ओर देख रहा था। इसके साथ ही वो सावन से कहता है कि तुम मुझे जल्दी से दो, क्योंकि तुम्हारे पास जो बोन चिलिंग फ्लेम है वो तुम्हारे मास्टर ने मुझसे चोरी की थी, इसलिए आज मैं आया हूँ ताकि मैं अपनी बोन चिलिंग फ्लेम तुमसे वापस ले सकूँ, और अगर तुम इसके लिए इनकार करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर तुम्हारी फ्लेम को ले लूंगा। इसके साथ ही मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे पास फ्लेम मंत्र भी है जिसकी मदद से तुम अपनी कई सारे फ्लेम को मर्ज करते हो, इसलिए तुम मुझे वो टेक्निक भी दे दो, क्योंकि तुम्हारे बचाने वाले व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आसपास जो सील लगे हुए हैं वो बैरियर को नहीं तोड़ सकते, जिस वजह से तुम्हारे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसकी इन वर्ड को सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही उसने अपने अंदर से एक खतरनाक किलिंग इंटेंट को निकालना शुरू कर दिया। फिर वो उससे कहता है कि तुम मुझे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम मुझे वो हॉल ऑफ सोल कैप्चर करके ले जाने आए हो। जिस बात को सुनने के साथ ही वो हंसने लग गया था। इसके साथ ही वो हॉल ऑफ सोल का मेंबर कहता है, नहीं मैं तुम्हें कैप्चर करने नहीं आया हूँ, फिलहाल के लिए तुम्हें तुमसे वही की मेथड चाहता हूँ जिस कीमत से तुम अपनी हेवनली फ्लेम को मर्ज करते हो, और जहाँ तक रही तुम्हारी कैप्चर करने की बात तो वो बाकी लोगों का काम है जिसके अंदर मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, फिलहाल के लिए तुम उतने ही करो जितना मैंने तुमसे कहा है। इन शब्दों को सुनने के बाद तो सावन की स्माइल और भी डेंस हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, ये की मेथड मेरी सबसे सीक्रेट टेक्निक है जिस वजह से मैं इसे नहीं दे सकता, और ना ही मैं अपने मास्टर की बोन चिलिंग फिल्म दे सकता हूँ। इन सभी थॉट्स के साथ ही सावन कहता है कि इस फिल्म मंत्र मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो भी व्यक्ति मुझसे फिल्म मंत्र चाहेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। फिर वो आगे कहता है, ये होली पिल सिटी है ना कि तुम्हारा हॉल ऑफ सोल, जिस वजह से तुम मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सावन के इनवर्ट को सुनने के साथ ही वो व्यक्ति हंसने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है, तुम्हें क्या सचमुच लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी सिर्फ गलत फहमी है, और एक बार फिर से मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे ये फिल्म मंत्र चोरी की थी, जिस वजह से तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे कुछ छीन रहा हूँ, तुम बस ये सोचो कि मैं तुमसे अपनी चीज वापस ले रहा हूँ। जैसी उसकी आवाज एक बार फिर से सावन के कानों में जाती है तो उसकी पूरी तरह से दिमाग खराब हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता,
मास्टर ने मुझे एक बार बताया था कि उन्हें ये टेक्निक दोदी के रिमेंस से मिला है, जहाँ पर मास्टर के अलावा भी कई सारे लोग गए थे ताकि वहाँ पर कई सारे कीमती ट्रेजर ले सके, और उन सभी को ऐसा मिला भी। वहाँ पर वो सभी जब गए तो वहाँ पर कई सारे ट्रेजर रखे हुए थे, जिस वजह से उन सभी ने वहाँ पर जितने भी ट्रेजर रखे हुए थे उन सभी के कई सारे ट्रेजर ले लिए, और उन्हीं ट्रेजर के साथ ये फ्लेम मंत्रा भी रखी हुई थी। जब सावन इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम उस व्यक्ति को देखते हैं जहाँ पर उसे भी समझ में आ चुका था कि सावन उसे नहीं देने वाला, इसलिए अब उसे सावन पे फोर्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि वो फ्लेम मंत्रा ले सके, इसके साथ ही बोन चिलिंग फ्लेम ले सके। इन सभी थॉट्स के साथ ही उसने अपनी हैंड को आगे किया, जिस वजह से हम देखते हैं उसके अंदर से एक हेवनली फ्लेम निकल रही थी जो कि और कोई नहीं बल्कि सी हार्ट फ्लेम थी। उसे एक्टिवेट करते हुए उसकी एनर्जी जाती है सावन पे। उसके साथ ही वो सावन से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ जो दो डॉज होंगे वो तुम्हें बचा सकते हैं तो, क्योंकि मैंने यहाँ पर आते हुए एक पावरफुल बैरियर लगा दिया था तुम्हारे चारों तरफ ताकि कोई भी डॉज इस चीज को सेंस ना कर सके, और काफी कम समय के अंदर उन दोनों को भी नहीं पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर एक बैरियर लगा भी हुआ है फिर नहीं। और लगभग 10 से 15 मिनट के बाद उन्हें पता भी चल गया, तभी उन्हें तोड़ने में भी काफी समय लग जाएगा और तब तक मैंने अपना काम करके यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पे एक तिरछी स्माइल आ चुकी थी। जब उसकी ये बात सावन सुनता है तो वो भी समझ चुका था कि उसके सामने जो व्यक्ति है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ ही वो उससे नहीं लड़ सकता और न ही इतनी आसानी से यहाँ से एस्केप कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे कोशिश करनी होगी यहाँ से निकलने की। अब सावन को सोचता देख हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसकी स्माइल और भी इंटेंस हो चुकी थी। इसके साथ ही वो सावन से कहता है कि अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि अब तुम्हें क्या करना है, इसीलिए देरी ना करते हुए बोन चिलिंग फिल्म दे दो और उसके साथ ही फिल्म मंत्रा दे दो मुझे, जिसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। जब वो ये चीज कहते हुए हंस रहा था तो दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो कि इस मौके का फायदा उठाकर अपने अंदर 3000 बर्निंग फिल्म को एक्टिवेट कर लेता है और पलक झपकते उस बैरियर के पास आ चुका था। इसके साथ ही उसके हाथों ने ग्रीन फिल्म को लपेट लिया था, यानी कि सावन के हाथों को ग्लेस फिल्म ने कवर कर लिया और पलक झपकते सावन ने अपने हाथों को उस बैरियर से टकरा देता है। लेकिन सावन के इस मूव का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। जब ये चीज वो एक्सपर्ट देखता है तो वो काफी गुस्से में आ चुका था, इसके साथ ही उसकी आवाजें कोल्ड हो चुकी थी। फिर वो सावन से कहता है क्या तुम याओचिन हो, या फिर याओचिन की डिसाइपल कोई होने की वजह से तुम अपने आप को याओचिन खुद समझ रहे हो, तुम अपनी बेकार की कोशिश करना बंद करो। ये कहते हुए उसने फ्लेम से बने हुए एरो को तैयार कर लिया और उसे सावन की ओर मोड़ देता है। जैसे सावन ये देखता है तो जल्दी से अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से बचता है, परंतु वो होल ऑब्जर्वर को एक्सपर्ट यहीं पर नहीं रुकता। उसने अपने फ्लेम की मदद से वहाँ पर एक नेट बना लिया था जिसकी मदद से वो सावन को एक बार फिर से कैप्चर करने के प्रयास करता है। जब ये चीज सावन एक बार फिर से सेंस करता है तो वो भी समझ चुका था कि वह इतनी आसानी से यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता, इसलिए वो अभी उसे लड़ना ही होगा। इस थॉट के साथ ही सावन ने अपने आप को प्रिपेयर करते हुए वहाँ पर अपने हेवनली रूल सोर्ड को निकाल लिया। जब वो देखता है कि कैप्चर करने के लिए दो नेट उसकी ओर बढ़ रहा है तो जल्दी से दो पावरफुल सेलेस्ट अटैक उसकी ओर करता है, और सावन ने जो भी सेलेस्ट अटैक किए थे इसके अंदर हेवनली फिल्म मौजूद होती है, जिस वजह से वो दोनों ही आपस में जैसी हेवनली फिल्म आपस में टकराती है तो वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी वेव फैलने लगती है। वो दोनों ही हेवनली फिल्म एक दूसरे को पीछे धकेलने की पूरी प्रयास कर रहे थे, तभी हम सावन को देखते हैं जो कि अपने मुंह को हिला रहा था। इसके साथ ही वो कहता है ब्रेक, उसके इतने कहने के साथ ही उसके जो सेलेस्ट अटैक थे वो टूट जाती है। ऐसा होते वो नेट भी टुकड़ों टुकड़ों में बट गई थी और इन दोनों एनर्जी वेव की वजह से दोनों पीछे धकेले जाते हैं। जब सावन पीछे जा रहा था तो हम सावन को देखते हैं जिसने अपनी दोनों फिल्म को एक्टिवेट कर लिया और उन दोनों को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों को मर्ज करने लगता है, जिस वजह से जो आसपास में एनर्जी थी वो एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर जाने लगती है और उसे पावर देने लगती है। और पलक चपकते ही सावन ने दो हेवनली फिल्म से बनी हुई एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर लिया, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सावन ने अब तक काफी बार हेवनली फिल्म को इस्तेमाल कर लिया है, इसके साथ ही उसने एंग्री बुद्धा लोटस के भी इस्तेमाल कर रखा है, इसलिए सावन को अब ज्यादा दिक्कत नहीं होती एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने में और ना ही उसे ज्यादा टाइम लगता है, जिस वजह से सावन ने यहाँ पर कुछ ही समय के अंदर दोनों एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर लिया। जैसे एंग्री बुद्धा लोटस तैयार होती है उसी समय हम सावन को देखते हैं जो कि उसकी ओर शूट कर देता है। इसके साथ ही सावन को ये भी पता था कि उसका एंग्री बुद्धा लोटस यहाँ पर ज्यादा काम नहीं आएगा, इसलिए वो पलक झपकते उसने अपने अर्थ रिमन पपेट को बुला लिया और दोनों ही डायरेक्शन से उस पर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही वो और वहाँ से डिसअपीयर होते हुए उस बैरियर के पास आ चुका था ताकि सावन इस बैरियर पे एक दरार ओपन करके यहाँ से एस्केप कर सके। इन सभी थॉट्स के साथ ही सावन एक बार फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया और बार बार उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन कई सारे अटैक के बावजूद हम देखते हैं उस बैरियर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। जब ये चीज वो होल ऑब्जर्वर का एक्सपर्ट देखते है तो वो हंसने लग गया था। इसके साथ ही वो सावन से कहता है कि तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा है परंतु तुम्हारा कोई भी प्लान मेरे सामने काम नहीं आएगा,
और इसके साथ ही मैं कंफर्म हो चुका है कि वो फिल्म मंत्र अब तुम्हारे पास ही है, जिस वजह से मैं किसी भी तरह से अब तुमसे वो लेके रहूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी फिल्म को ट्रांसफॉर्म कर दिया था एक बोल के अंदर, जिसके साथ ही उसने उसके एंग्री बुद्धा लोटस को सोलो करने शुरू कर दिया। जैसे वो बोल एंग्री बुद्धा लोटस को सोलो करने लगता है, उसी समय हम देखते हैं एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर काफी मात्रा में एनर्जी इंक्रीज होने लग गई थी और प्लग झपकते वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। जैसे एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट करती है तो हम देखते हैं चारों तरफ खतरनाक एनर्जी वेव फैलने लगती है और ये एनर्जी वेव काफी ज्यादा खतरनाक थी। इसके साथ ही वो खतरनाक एनर्जी वेव होलोबसोल के उस एक्सपर्ट की ओर जाने लगती है। इससे पहले वो उससे हानि पहुंचा पाती, उससे पहले सियार्ड फ्लेम ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।